मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। और देखिए, इसके पहले का आपका रिमाइंडर थ्योरम यानी सेशनल पर में आपका दो पार्ट हो चुका है। जो विद्यार्थी पार्ट वन पार्ट टू नहीं किए हैं, वह पहले पार्ट वन पार्ट टू कर लीजिए, तब इस क्लास को कीजिएगा, नहीं तो आज क्लास कीजिएगा और कहिएगा कि मास्टर जो साहब जो है पढ़ाते हैं समझ ही नहीं आता है। ऐसा नहीं, पहले पार्ट वन पार्ट टू कर लीजिए, उसके बाद आप यह कीजिए, आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। ऐसे मन नहीं भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी आपको 100% समझ में आएगा और इसमें भी क्वेश्चन आपको सेकेंडों में बन जाएंगे। देखिए, दिखाते हैं। यह जो है सेशन में आपको कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनडीपीसी एसएससी आदि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले पार्ट वन पार्ट टू आप देखे थे, उस क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है, उसका एक रिवाइज करते हुए चलते हैं, ठीक है। देखिए, आपका इसमें 8 to the power 19 है, यानी 8 to the power 19 है प्लस 5/7 है। देखिए, आपको कहे थे कि जिसमें भाग करते हैं और भाग करने में जेकर अंतर एक होता है, एक अंतर होता है, तो देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा। कहे थे कि ऊपर 7 रहे नीचे 8 रहे, या फिर कह सकते हैं कि ऊपर 8 रहे नीचे 7 रहे। तो ऊपर बड़ा संख्या हो या छोटा संख्या हो, भाग लगता है। अब गए थे कि भाग नहीं भी लगे तो जबरदस्ती भाग लगाते हैं। बड़ा रहेगा तो शेषफल प्लस में लाएंगे, यदि छोटा रहेगा तो शेषफल माइनस में लाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें आप कह सकते हैं कि देखिए 8 बड़ा है, 7 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए, इसमें शेष कितना आएगा, 1 आएगा। शेषफल पर में चल रहे हैं, शेष निकालना है तो शेष ही पे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर शेष कितना इसका हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 5 में भाग करेंगे तो मान छोटा ना है तो शेष तो 5 में हो जाएगा। तो देखिए, इसमें 5/7 कितना हो गया, 7, 5 × 6 / 7, यानी 7 में 6 से भाग कीजिएगा तो बताइए 7 से 6 कम में है जी। तो जब कम है तो जो कम होता है वही क्या होता है, कल शेष यानी रिमाइंडर कितना इसका हो गया, 6 हो गया, ठीक है। यदि आप अच्छे से जानते रहे इतना टाइम लगेगा, तुरंत बन जाएगा। देखिए कैसे, 7 है, बताइए इसमें भाग करेंगे तो लगता होगा कि छोटा है, भाग नहीं लगेगा, इसमें ऐसा सोचना नहीं है। अरे छोटा है तो उससे क्या दिक्कत है, छोटा है तो शेष माइनस में आएगा, बड़ा होता तो प्लस में शेष आता। तो बताइए 8 है कम 8 से कितना कम है, 1 कम है ना, तो -1, तो -1 के पावर 16, तो बताइएगा तो -1 के पावर 16 है। तो यदि सम संख्या रहता है तो माइनस हो जाता है प्लस में, यदि विषम संख्या रहेगा तो माइनस का माइनस ही रहता है, मालूम होगा पहले से। तो देखिए, भाग कीजिए तो -1 और -1 के पावर 16 तो 1 हो जाएगा। अब प्लस बताइए, भाग करना पर 7 रहेगा नहीं, 8 7 1 8 8/8 भाग करिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 चलाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें 22 से भाग करते हैं, कैसे में शेष क्या आएगा, शेष -1 आएगा, -1 के पावर विषम संख्या है तो माइनस हो जाएगा -1, क्योंकि यदि सम होता तो +1 होता, लेकिन विषम न है तो -1 हो जाएगा। तो 22 से भाग कीजिए 21 में तो शेष आएगा -1, और -1 के पावर 21 था, मतलब -1 ही रहेगा। अब देखिए, +21 और /22 है ना, 22 21 में से 1 गया, 20/ कितना हो जाएगा, 22, यानी कह सकते हैं कि बताइएगा 22 से ही छोटा ना है 20 जी, तो यदि भाग करते हुए मान छोटा रहेगा ना तो शेष यही बन जाता है, रिमाइंडर कितना हो गया, एक शेष हो गया 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसमें आगे देखते हैं, 31 में भाग करना है 8 से, इसमें तो अंतर एक है नहीं, अंतर एक नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, भाग कीजिए, शेष प्लस या माइनस आया तो लिखिए, एक शेष आता है प्लस माइनस तो बन जाता है। तो देखिए, और 4 का 32 8 × 4 = 32 होता ना है, और 4 का 32 लेकिन है कितना, 31, तो 32 से कितना कम है, 1 कम है तो -1 एक शेष आएगा, -1 के पावर बताइए विषम है कि सम है,
विषम पावर है तो विषम है तो माइनस के माइनस रह जाएगा, सम होता तो यहां माइनस हो जाता प्लस में, लेकिन विषम है तो यहां क्या हो जाएगा आपका माइनस रह जाएगा। और बटा आठ से भाग करना है तो बताए थे कि जब प्लस में होता तो शेष वही हो जाता, लेकिन माइनस में है जी तो आठ में से एक घटा दीजिए, रिमाइंडर कितना हो गया सात, एक इसका रिमाइंडर हो गया यानी शेष कितना इसका आ गया सात आ गया शेष। ठीक है, अब देखिए देखिए ये सब क्वेश्चन आपको पहले भी वीडियो में किया गया है, रिवाइज के लिए आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा सत्रह से भाग करते हैं अठारह में, अठारह बताइएगा सत्रह से भाग कीजिएगा तो सत्रह है कम सत्रह, शेष कितना बच गया एक, और एक के पावर बीस तो एक ना रहेगा जी, अब बटा सत्रह। अब देखिए एकरा से कम है कि ज्यादा है, कम है तो शेष कितना बनेगा एक, एक ही बनेगा, यानी ऊपर वाला कम रहेगा ना जिसमें भाग करते हैं वह मान यदि कम रहेगा तो शेष वही बन जाता है। ठीक है, अब देखिए अब कहिए कि सर यहां घटा दिए थे तो यहां माइनस में था जी, यहां प्लस में है तो वही शेष बन गया। अब देखिए सत्रह के पावर दो सौ बटा अठारह है ना, अब बताइए अठारह से भाग कीजिएगा तो अठारह कम अठारह ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो एक ज्यादा है, तो यदि भाग करते हैं ऊपर ज्यादा था तो प्लस शेष आया था, लेकिन ऐसे कम ना है तो माइनस वन शेष आएगा। ठीक है, तो अठारह एकम अठारह कम कितना है माइनस एक रहेगा, तो माइनस एक के पावर दो सौ, तो पावर दो सौ यानी सम संख्या है तो माइनस वन के पावर रहेगा दो सौ, सम संख्या रहेगा तो प्लस हो जाता है अभी तो बताए, तो वन बटा अठारह। अब बताइए इससे ही कम ना है, तो जब इससे ही कम है तो बताइएगा जे कम होता है यदि इससे काम भाग करते हैं कम हो गया तो शेष कितना बनेगा, शेष एक ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं, देखिए दोस्तों यहां तक आपका अंतर एक एक था तब करते थे, लेकिन यहां पर अंतर एक है बहुत फासला है, सात के पावर 84 है और यहाँ 342 है। अब सोचिए कि इसमें भाग करने में बड़ा मुश्किल होता है, तो टेंशन मत लीजिए आपका जब एक अंतर नहीं आवे ना तो पहले प्रयास कीजिए कि कैसे हो दोनों के अंतर एक हो जाए, एक कैसे होगा देखिए थोड़ा सा हम एक स्टेप चल लेते हैं ताकि इसमें और भी क्वेश्चन इस टाइप का आवे आपसे छूटे नहीं। ठीक है, देखिए पहले कर देते हैं, अब मन में उठ रहा होगा सर बता तो रहे हैं ग्राम में कि पहले एक अंतर करते हैं, यदि अंतर एक नहीं आएगा तब क्या होगा तो वहू बताएंगे, पहले क्या हम प्रयास कीजिए ना कैसे एक आता है कि नहीं अंतर। तो देखिए इसको हम ऐसे कर देते हैं सात के पावर तीन कर देते हैं और 84 ना था, तीन दुना छ तीन आठ चौबीस बटा 342, समस्या तो नहीं होना चाहिए क्योंकि सात के तो सात रह गया, 28 दिया कितना हो गया 84 आ गया, सात के पावर तीन होता कितना है तो 343 होता है, होता ना है। तो देखिए 343 बटा 342 है ना, और इसके पावर में कितना हो गया 28 हो गया ना, 28 हो गया। अब बताइए ये तो नियम जानवे करते हैं, अंतर एक का है अगर हम भाग किए तो शेष कितना आ गया एक आ गया, और एक के पावर 28 है तो एक ना रहेगा जी, तो पावर 28 है तो कितना एक बटा 342। अब भाग करना है 342 से एक में तो मान तो छोटा है तो शेष कितना बनेगा, शेष बनेगा एक। ठीक है, यानी समझ रहे हैं कि जब अंतर एक नहीं हो तो जबरदस्ती एक करते हैं अंतर, नहीं भी होगा तो उसका तरीका अलग है, वैसा भी क्वेश्चन बताएंगे। देखिए अब देखिए इसमें भी बताएं अंतर तो एक नहीं है, पहले अंतर एक करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए ये 126 है, यदि 125 हो जाए तो अंतर तो एक हो जाएगा। देखिए करते हैं पांच के पावर तीन, और फिर देखिए तीन से करिए, तीन एकम तीन तो बचेगा कितना दो, तीन से अठारह तीन सत इक्कीस, ठीक है 126, यानी पांच के पावर तीन 167, 126 नीचे हो गया, गुना करला पर तो यही ना आएगा जी। अब बताइए पांच के पावर तीन है तो 125 ना है, आप बताइए जब 125 बटा 126 कर सकते हैं 167, तो बताइए एकरा में भाग कीजिएगा तो भाग करला पर शेष प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस कितना आएगा माइनस एक शेष आएगा, बताए हैं प्लस माइनस एक शेष पहला वीडियो में, जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं पहले वो देख लीजिए, यहाँ वीडियो देख के मने मने कुछ बोले से फायदा नहीं है। देखिए
यहाँ 125 बटा 126 है, भाग कीजिए तो भाग करला पर कितना होगा शेष आपका माइनस वन आएगा। और माइनस वन के पावर सम है कि विषम है, विषम है तो विषम है तो माइनस वन ही रह जाएगा। यदि सम होता तो माइनस से किस में आता प्लस में आता, लेकिन यहाँ पर विषम है तो माइनस वन ही रह जाएगा बटा 126। आज जब माइनस वन आ गया तो कहे थे कि घटा देते हैं, है ना, तो घटाइए इसको तो 126 में से गया, रिमाइंडर कितना हो गया 125। इसका रिमाइंडर यानी इसका शेष कितना हो गया 125 आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना समझ में आया होगा। और इसके बाद आगे का क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आप देखते हैं, उस टाइप को समझ में आया होगा। देखिए इसमें अब कहता है 4 के पावर 96 है बटा 6 है, इसमें भाग करना है, शेषफल निकालना है। देखिए बताए थे कि जब अंतर एक होगा तब तो ठीक है शेषफल प्लस माइनस में आता है, लेकिन यदि अंतर एक नहीं हो तो अंतर एक करते हैं, लेकिन इसमें अंतर एक होवे न करेगा, करके देखिए कितना पावर में एक अंतर नहीं होगा तो दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन वैसा होता ना है जेकरा थोड़ा सा माइंड में बैठा ले पड़ता है, जिससे आपको जानते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कितना हो पावर दे देगा, आराम से बन सकता है। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए, ऐसे देखते हैं, देखिए 4 से भाग करते हैं 6 में, यदि बताए थे कि जब इससे कम रहेगा और भाग कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऊपर का कम न है जी तो 4 आएगा इसका, ठीक है। अब देखिए 4 किया स्क्वायर से भाग करते हैं 6 में, चर्चा का 16/6 भाग कीजिए तो कितना आएगा 6 × 12 यानी शेष कितना आ गया इसका 4 आ गया। 4 के क्यूब से भाग कीजिए 6 में कितना होता है 64 होता है, और बटा 6 भाग कीजिए कितना आएगा 6 × 2 = 60 यानी रिमाइंडर कितना आएगा 4। यानी इससे एक कॉन्सेप्ट निकला कि 4 के पावर कितना भी रहे, कितना भी रहे 6 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, हमको हमेशा शेष कितना आता है 4 आता है। तो जैसे ही बोला देखे तैसे मन में एकदम लग रहा हो कि बॉल जैसे चमके लगा हुआ हो, लगता हो कि अब तो बन जाएगा, देखिए एक शेष कितना आ गया 4 हो गया, है ना, क्योंकि पावर कितना हो रहे 6 से भाग करला पर शेष कितना आएगा 4 आएगा। कौन से कॉन्सेप्ट पर, ई वाला पर, ठीक है। अब देखिए यही वाला कॉन्सेप्ट पर देखिए तो ई वाला पे देखिए तो 16 के पावर 120 है बटा 6 है, 6 से भाग करना है 16 में, क्या 16 को आप 4 में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं 4 का स्क्वायर 120 है ना बटा 6 है, अब बताइए बतिया ना हो गया जी, 4 में 6 से भाग करना रह गया तो जब 4 में 6 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 4 आता है। इसमें कॉन्सेप्ट बताया नहीं, जैसे बताया तोड़ तोड़ गए, भाग कीजिए शेष कितना रहा है 4 आ रहा है, यानी 4 में 6 से भाग करेंगे तो शेष कितना चलाएगा 4 चलाएगा। अब देखिए इसके बाद आपका इसमें एक क्वेश्चन ई वाला बच गया, ठीक है। देखिए 6 में 10 से भाग करना है, इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, देखिए कैसे 6 में भाग कीजिए 10 से, इससे कम है तो जब कम में भाग करते हैं तो शेष तो ये हो जाता है, यानी रिमाइंडर क्या होता है इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 6 स्क्वायर में भाग करते हैं तो 36/10 में भाग कीजिए 10 या 30 तो शेष कितना बच गया इसका 6 हो जाएगा। 6 के स्क्वायर से 6 का क्यूब कीजिए तो क्यूब में कितना होगा 6 × 36 = 216 और 10 से भाग कीजिए तो कितना होगा 10 × 1 = 210 यानी शेष कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। भाग कीजिए ना, भाग तो करेगा ही करता होगा, क्या कंपटीशन में विद्यार्थी ना है जी, अब भागो नहीं आएगा तो समझिए कि नौकरी नहीं होगा, है ना। तो देखिए भाग कीजिए आपको तो शेष कितना आएगा आपका 6 चलाएगा, यानी ये भी बात वही निकल रहा है कि 6 के पावर कितना भी रहे, 1 रहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे 5 रहे अनंत तक पावर रहे, यानी कह सकते हैं तो 10 भाग कीजिएगा तो शेष कितना आपको आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे, 4 में 6 से भाग करेंगे 4 शेष आएगा, 6 में 10 से भाग करेंगे कितना आएगा 6 शेष आएगा। यहाँ तो ऊपर पावर कितना भी रहे उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए इतना समझ में आया होगा, इसमें देखते हैं। देखिए दोस्तों जो भी क्वेश्चन होता है आपका ना, पहले तो एक अंतर का कॉन्सेप्ट बता दिए थे और कहे कि जिसका अंतर एक नहीं हो, एक अंतर जबरदस्ती करते हैं,
ठीक है, नहीं हो तब नहीं होगा तो उसका क्वेश्चन कुछ ऐसा देता है जिससे आपको सोल्यूशन हो सके, जैसे कुछ इस टाइप का और कुछ इस टाइप का। यदि अंतर नहीं होगा एक तो उसमें अधिकतर लगभग 99% क्वेश्चन ऐसा होगा कि अंतर एक नहीं होगा तो उसके नीचे यानी हर में, इसके हर में आभाज्य संख्याएं होती है, मतलब 100% में से जिसका अंतर एक नहीं होता है उसमें से 99% क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसके हर में कितना होता है अभाज्य होता है। तो अभाज्य के लिए एक रूल होता है, देखिए एक नियम बताते हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक, एकदम देखते ही बना सकते हैं। देखिए आप देखिए, पांच जो है, पांच अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। कुछ साथी को तो पता नहीं चलोगे अभाज्य संख्या क्या है, तो देखिए बताते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, जिसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, खाली गुना में एक ही आवे, एक से अधिक नहीं आवे का, बताइए 9 अभाज्य संख्या है तो लग रहा हो कि अभाज्य संख्या है, नहीं, 3 × 3 नहीं टूट रहा है, टूट रहा है तो अभाज्य संख्या नहीं है। जो नहीं टूट सकता है, नहीं पाठे पाठ बढ़ सकता है, वही होता अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए पांच अभाज्य संख्या है, इसमें अंतर तो एक है नहीं, तो नियम होता है कि पांच में से एक घटाइए तो कितना आ गया, 4 आ गया, तो एक घटाए तो कितना आया, 4 आया। अभाज्य संख्या पर ध्यान दीजिएगा, 4 से ऊपर का पावर में भाग करते हैं, 4 × 5 = 20, और जो शेष आएगा ना उस शेष को लिखते हैं, 4 आया था एक कम करना पो इससे भाग दीजिएगा में, 4 × 5 = 20, तो शेष कितना आया, 1 आया। तो बताइए 3 × 1/5, 3 × 1 यानी 3 है ना, तो 5 में 3 से भाग कर ला पर शेष कितना हो जाएगा, अब बताइए रिमाइंडर कितना हो गया, 3 हो गया, हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए ये भी तो अभाज्य संख्या है, नियम क्या बताएं, ये घटाइए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से भाग कीजिएगा में, तो बताइए 4 × 2 = 8, ठीक है 3 हो गया, 428 यानी शेष कितना हो गया, 28, तो आपका कितना 2 हो जाएगा शेष, यानी 2 × 2/5 यानी कितना 4/5, तो 4 में भाग कीजिए 5 से, तो इससे कम ना है जी, तो जब कम है तो शेष तो आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए इसमें शेष क्या होगा, इसका इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 2 × 256 है और 1/17 है, यह भी एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो जब अभाज्य संख्या है तो नियम क्या बताएं, इसमें एक घटाइए 16 में इससे भाग कीजिए, अब भाग करला पर जो शेष आएगा सही यहां पर लिखते हैं, तो बताइए भाग करला पर 16 × 16 = 256 है ना, शेष तो आएगा नहीं, शून्य आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लिखिए 0/17। ठीक है, अब बताइए 2 × 0/17, तो यदि किसी संख्या के ऊपर 0 हो जाए तो मान तो 1 हो जाता है, तो कहेंगे 1/17 यानी इससे वाला कम ना मान है, तो जब मान कम है तो बताइएगा कि शेष क्या होता है, जो कम है यही शेष हो जाता है, यानी रिमाइंडर कितना का हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये भी समझ में होगा, उम्मीद करते हैं। इसके बाद अगला टाइप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, 2 × 33/10 है। ठीक है, इसमें देखिए न इसके बीच का अंतर 1 है और न ही इसके बीच का अंतर 1 हो सकता है प्रयास करने पर, तो देखिए इसमें इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है टूटेगा इसे। देखिए इसमें आप सबसे पहले इसमें हम ऐसे कर देते हैं 2 × 5 × 6 × 2 × 3/10, ऐसा क्यों किए, क्योंकि इसमें भाग करने में हमको आसानी हो जाए, इसमें कोई दिक्कत उक्कत नहीं हो। देखिए 5 × 6 = 30 × 7 कितना हो गया 33, पावर तो वही ना भी है, बताइए 2 × 5 है यानी 32 है, तो 32 में यदि भाग की जगह 10 से तो शेष कितना आएगा, 2 × 5 32 से ना होता है, तो भाग कीजिए 10 से तो कितना 10 × 3 = 30, तो शेष कितना आएगा आपका 2 आएगा, और 2 × यहाँ पे कितना है 6 है, शेष से चलाना है तो शेष से चलिए, हम पहले तोड़ दिए 5 × 6 × 2 × 3 हो गया, आप बटा में हो गया 10, ये 2 × 5 यानी 32 हो गया, 32 में 10 से भाग कीजिए शेष आएगा 2, और 2 × 6 और गुना कितना है 3 है ना 3, आप बटा कितना हो गया 10 हो गया,
बताइए तो, 6 यानी कितना, 64 और गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और बट्टा 10। ठीक है, अब भाग कीजिए ना, 64 में भाग कीजिए 10 से, तो 10 छक 60 यानी शेष कितना आ गया, 4 हो गया। तो बताइए 4 गुना 8 बट्टा 10 यानी 32 में, 32 ना होगा और चौके 32, 32 में भाग कीजिए 10 से, तो शेष कितना चलाएगा आपका, इसका शेष चलाएगा 2 चलाएगा। नहीं, अब देखिए इस क्वेश्चन को समझ में आया, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें आपको रहेगा 32 के पावर 32, 32, 32 कितना भी रहे, और बट्टा में है 7, 7 से भाग करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस टाइप का यदि पावर से पावर रहेगा तो इसमें एक नियम होता है कि इसमें हमेशा देखते हैं थर्ड पावर यानी पहला, दूसरा, कितना, तीसरा। यदि यह संख्या इवन नंबर हो यानी सम संख्या हो तो इसको हटा करके यहां पर लिखते हैं 2। यदि यही संख्या ऑड नंबर हो यानी विषम संख्या रहेगा तो लिखते हैं हटा के कितना, 1 लिखते हैं। यानी सम रहेगा तो सबसे छोटी सम संख्या 2 लिखते हैं और विषम रहेगा तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर था आपका सम संख्या था तो बताइए कितना हो गया, 2 हो गई, 2 हो जाएगा। यदि विषम होता तो 1 लिखते। देखिए हल करते हैं, अब देखिए 32 के पावर 32 इस सम संख्या नहीं है जी, तो थर्ड में जो यदि सम संख्या था क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। यदि विषम संख्या तो कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहां पर सम संख्या है तो 32 के स्क्वायर हो जाएगा बट 7। बताइए इसमें बराबर देखते हैं, 32 तो 32 और पावर देखिए 1024 हो जाएगा, 1024 आप बट्टा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका नियम है दोस्तों, देखिए पहले इसमें 7 से 32 में भाग कीजिए कितना आएगा, 7 का 28, शेष कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और बट्टा 7। और यहां पर पावर जो है यह लिखते कैसे हैं, बताए थे कि जब नीचे अभाज्य संख्या होगा तो अभाज्य संख्या में से ये घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 6। और 6 से अगर हम भाग करते हैं, भाग करने के बाद जो शेष आता है वही पावर में लिखते हैं न, बताए हैं इसके पहले क्वेश्चन में। तो देखिए 7 से 1 में घटा दिए, 6 आ गया, 6 से इसमें भाग दीजिए, 6 से भाग कीजिएगा तो 6 कम 6, 6 से 42 यानी कितना शेष आएगा, शेष चलाएगा 4 यानी इसमें भाग किए तो शेष आया 4। और इससे अभाज्य के नियम पर चले तो कम करके इसमें भाग किए ये भी कितना आया, 4। 4 के पावर 4 256 बटा 7 भाग कीजिए 27 तो कितना हो जाएगा, 4। 7 6 42 यानी शेष कितना हो जाएगा इसका, 4 शेष हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ रहे होंगे कि यदि थर्ड पावर इवन नंबर हो, सम संख्या हो तो 2 रख के बनाते हैं, यदि विषम संख्या हो तो 1 रख के बनाते हैं। अब बाकी आभास का नियम लगा दिए थे, 7 में से 1 घटा के इसमें भाग किए थे और इसमें भाग किए तो शेष आया 4, अब भाग किए 6 से तो शेष कितना आया, 4 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर कितना हो गया, 4 हो गया इसका रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए इसमें 32 के पावर 33 के पावर 34 तो कहे ना कि इसमें पावर कितना भी रहे, हम कौन सा पावर देखते हैं, थर्ड पावर देखते हैं। बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड यह इवन है कि ऑड है, इवन है सम संख्या है तो पावर 2 होगा कि 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो देखिए 32 के पावर 33 और सम संख्या है तो स्क्वायर हो जाएगा बट्टा, ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बताइएगा 33 के स्क्वायर 1089 होता है, होता ना है, देखिए पहले से भाग कीजिए 11 + 33 तो 33 से कितना कम है, 1 कम है ना, तो शेष कितना, प्लस 1 के माइनस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 33 का स्क्वायर 1089 होता है बट्टा 11। तो बताइए तो माइनस 1 के पावर 1089 है तो सम है कि विषम है, विषम ना है जी, तो जब विषम है तो आप कहिएगा कि माइनस है तो माइनस में रह जाएगा यानी माइनस 1 बटा 11 हो जाएगा और घटाइएगा 11 में से 1 तो रिमाइंडर कितना हो गया, 10 हो गया। कहते ना कि जब प्लस में होगा कम रहेगा तो वही आंसर है, लेकिन माइनस में रहेगा
आप कम तक घटा के लिखते हैं, यही आपका शेषफल निकलता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और है, 6 पावर 6 दिया है अनफाइनाइट तक, 10 से भाग करना है तो शेष कितना क्या हो जाएगा इसमें। अब लग रहा होगा देखिए दोस्तों, इसमें यदि ऐसा मिल जाए तो डर लगता है, लेकिन नहीं, इसके पहले वाला टाइप में क्वेश्चन में देखिए बताएं कि 6 के पावर कितना भी रहे 10 से भाग कीजिएगा तो हमेशा रिमाइंडर कितना आता है, 6 ही आता है। 4 में भाग कीजिएगा 6 से तो हमेशा शेष कितना आता है, 4 ही आता है, बताना पहले ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया वीडियो को फिर पीछे कीजिए, फिर देखिए समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 10 के पावर 10 है प्लस 10 के पावर 100 है, ऐसे ही टर्म्स है इसमें, और भाग करना है 7 से भाग करना है, शेष कितना होगा से पूछता है। ठीक है, तो देखिए 7 से भाग करना है शेष पूछता है, तो पहले आपका नियम है कि नीचे अभाज्य संख्याएं हो, अभाज्य संख्या हो, यदि भाग करना है तो बताइए नियम क्या बताए थे, स्टेप वाइज भाग कीजिए, पहले इसमें भाग करते हैं, फिर इसमें भाग करेंगे, फिर इसमें करेंगे और सब में भाग करेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें भाग कीजिए तो बताइएगा 7 से भाग कर, तो नियम है कि 7 से 1 घटा देते हैं, ये घटा करके देखिए 10 के पावर 10 में भाग कीजिए 7 से। ठीक है, घटा के लिखते हैं तो कितना होगा 6, और 6 से भाग करते ग्राम में यानी 10/7 लिख करके आप कह सकते हैं, भाग कीजिएगा तो शेष कितना चलाएगा 4, क्योंकि नियम था ना, बताया था ना कि अभाज्य संख्या होगा ना तो ये कम करते हैं और ऊपर भाग करते हैं, और जो शेष आता है वह उसके पावर लिख करके और हल करते हैं। तो बताइए 7 में से 1 गया 6 भाग कीजिए तो कितना होगा 4, यानी 10 के पावर 4 में भाग करना कितना संभव है, 7 से भाग करना है। तो बताइए यदि भाग करते हैं 10 के पावर 4 यानी कितना, 1, 2, 3, 4, 0/7। ठीक है, भाग कीजिए इसमें तो बताइए 7 एकम 7 3 हो जाएगा, 7 चौक 28, फिर हो जाएगा 2 यानी कितना 14 यानी 7, 8, 56 शेष कितना हो जाएगा इसका, इसका शेष हो जाएगा 4, यानी जब इसको आप हल किए तो शेष कितना आया 4 आया, वो वैसे ही इसको हल कीजिए वो भी 4 आएगा। देखिए कैसे 4 आएगा, आप फिर वही नियम लगाइएगा, 7 से भाग कीजिएगा इसमें 100 में भाग कीजिएगा, तो 7 से भाग कीजिएगा 100 में, 7 से नहीं, नियम क्या है कि इससे कम न करते हैं, जैसे यहां अब 10 न करके 10 नहीं अब कितना है 100 है। ठीक है, 100 है तो 7 से कम कीजिए 6, और 6 से भाग कीजिए इसमें तो शेष कितना आता है देखिए, तो 6 एकम 6 4 हो जाएगा, 6 छक 36 यानी शेष कितना हो जाएगा 4 न हो जाएगा, 10 के पावर 4 और 7/8। देखिए इसको अभी हल किए तो शेष कितना आया 4 आया, मतलब कि इसमें भाग कीजिए फिर भी 4 आ रहा है शेष। ठीक है, इसमें भाग कर रहे हैं फिर भी 4 आ रहा है, इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं 7 से कम में कीजिएगा काम भागा। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते जाएगा तो यानी इस 7 से सम में भाग कर रहे हैं तो शेष कितना आ रहा है 4 आ रहा है, अब सब का 4 आ रहा है तब इसको देखिए कैसे हल करते हैं, मतलब इसमें भाग किए कितना आया 4 आया, फिर इसमें भाग किए 4 आया, फिर इसमें भाग किए 4 ही आएगा। देखिए 4 ऐसे आते रहेगा लेकिन किए गो 4 आएगा, है ना। तो देखिए पहला टर्म्स पर के गो 0 है, ये गो है तो पहला पे 1 0 तो फर्स्ट टर्म्स, 2 0 2 टर्म्स यानी के गो 0 है, 2 4 6 8 गो 0 तो 8 टर्म्स हो जाएगा, यानी 8 गो 1 में 4 गो लिखाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 ऐसे क्यों लिखाएगा 8 गो, नहीं 4 × 8 लिखा जाएगा, 8 गो है ना, आ बट्टा कितना 7, 8 चौक 32 आ बट्टा 7, बताइए शेष कितना हो जाएगा 7 चौक 28 यानी शेष कितना हो जाएगा, अगर शेष हो जाएगा 4 इसका शेष हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए फिर से एक बार, 10 के पावर 10 था, 7 से भाग किए थे तो नियम अभाज्य संख्या वाला था, ये घटा करके ग्राम भाग करते हैं और भाग करना पर लिख देते हैं। ठीक है, और 10 के पावर 4 में 7 से भाग किए तो 4 से आया, और सिर्फ 4 4 सब में आता गया, ये के गो टर्म्स था 8 गो था तो 8 × 4 लिख दिए और 7 यानी कितना 32/7,
यानी कितना शेष हो गया, चार हो गया शेष। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए इसमें आपका स्टार्टिंग है एक दो तीन चार पांच छह, इतना कहां तक है, 99 तक है। अब मैं कहता है कि 8 से भाग देने पर शेष क्या होगा, और एक और क्वेश्चन है कि इसमें भाग देते हैं 125 से तो शेष क्या होगा। देखिए सब क्वेश्चन आपके असाइनमेंट क्या है, जो मेरे संस्थान का स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे उनके असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें आपका कहता है कि यहां से यहां तक 8 से भाग करना है शेष क्या होगा, इसमें भाग करना है शेष क्या होगा। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इसमें एक दो बात, यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कह सकते हैं कि भाग लगाने का जो नियम होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी कौन से संख्या से किसमें भाग पूर्ण संख्या लग जाता है, थोड़ा सा उसका एक देख लेते हैं। देखिए यदि 8 से कहेगा, कहे कौन सा संख्या है जो 8 से पूरा पूरा भाग लग जाए, या कौन सा संख्या है जो 125 से पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी या कहेगा कि बताइए कोई संख्या है वो जांचे कि 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिए कैसे जांचते हैं, यह आपको इसका एक वीडियो बनेगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इसमें समझिएगा कि इसका जो है नियम बता देते हैं थोड़ा सा शॉर्ट, जिसका हमको इसमें काम आएगा उसको बता देते हैं। 8 125, इधर 4 एक देखते हैं 25, और 3 देख लेते हैं और 9 देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 8 से वही संख्या भाग लगेगा, या जांच करना रहेगा ना कि 8 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, और शेष क्या होगा जांचना रहेगा। तो देखिए नियम क्या होता है, पहले इसमें देखिए तो 8 का यदि तोड़े आभास गुणनखंड तो कितना टूटेगा, 2 × 2 × 2 टूटेगा, इसका 5 × 5 × 5 टूटेगा, 5×5 = 25, आभास संख्या नहीं टूटेगा, इसको तोड़िए 2 × 2, इसको देखिए 5 × 5। देखिए इतना लिख देने में आप समझ गए कि यदि किसी को जांच करना है कि 8 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा तो कैसे जांचेंगे, बड़ा बड़ा संख्या तक भाग कीजिएगा तो दिक्कत ना होगा, बताइए इतना लंबा संख्या है तो 8 से भाग कीजिएगा, भाग करने ही में पूरा एग्जाम में खत्म हो जाएगा, वैसा नहीं करना। देखिए जब 8 से भाग लगता है कि नहीं लगता है और भाग लगेगा तो शेष क्या होगा जांचने के लिए, आप यदि 3 आभास संख्या आ रहा है, यानी कह सकते हैं कि अंतिम तीन अंक में यदि 8 से भाग करते हैं, 8 से भाग करते हैं यदि भाग लग जाता है तो पूरा संख्या में भाग लगेगा, शेष नहीं बचेगा। यदि शेष पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अंतिम तीन अंक में ही 8 से भाग कीजिए और जो शेष आएगा वही पूरा संख्या में उससे भाग करने पर शेष आता है, ठीक है। देखिए जैसे 8 का है वैसे 125 से है, अंतिम तीन अंक में 125 से भी जांचना रहेगा ना, तो अंतिम तीन अंक में देखते हैं, अंतिम तीन अंक में यदि 125 से भाग लग जाएगा तो कहिएगा कि हाँ उसमें पूरा संख्या से भाग लग सकता है, ठीक है। यानी इस समझ गए तो भी समझ रहे होंगे कि 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, पूर्ण विभाजित तो होगा कि नहीं होगा, जांचने के लिए आप 2 अंक को जांचिएगा, 2 अंक देखिएगा कि पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग जाएगा तो पूरा संख्या में भाग लग सकता है, नहीं लगेगा तो पूरा संख्या में भाग नहीं लग सकता है। 4 और 25 का वही रूल है कि अंतिम 2 अंक से जांच करते हैं, और 3 और 9 से वही संख्या भाग लगेगा जिसका पूरा अंक का योगफल 3 से भाग लगे, जिसके पूरा अंक का योगफल 9 से भाग लगेगा वही पूरा संख्या में भाग लग सकता है। यानी बताइएगा यहां से यहां तक संख्या है, कहेगा कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा जांचना है, तो क्या कीजिएगा, भाग कीजिएगा नहीं, उसके सभी अंक को जोड़ना है, के वो अंक है, और सब अंक को जोड़ करके यदि 3 से भाग लग गया तो पूरा संख्या 3 से भाग लगेगा, सब अंक को जोड़ देते हैं और 9 से भाग लग गया तो पूरा संख्या भाग लगेगा, ठीक है। तो देखिए इतना आपको समझ में आया होगा, देखते हैं इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा। देखिए तो इसमें कहता है कि यह संख्या 8 से भाग देने पर शेष क्या होगा इसका, ठीक है। देखिए हम बताएं कि 8 से जांचना है तो अंतिम तीन अंक देखते हैं, बताइए लिखा होगा कैसे, 1 2 3 4 5 6 है ना, लगता है ये, यानी 99 से पहले क्या होगा, यहाँ पे 98 होगा,
जांचना है कि 8 से भाग लगेगा कि नहीं रहेगा, और लगेगा भी तो शेष क्या होगा, तो के अंक देखते हैं, अंतिम 3 अंक देखते हैं, यही ना 3 अंक है। 8 से कीजिए भाग, 8 एकम 8, 8 एकम 8 तो 1, 9 यानी 8 दुना 16 यानी शेष कितना हो जाएगा इसका, इसमें यदि 8 से भाग कीजिएगा तो शेष से कितना चलाएगा, 3 चलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें x से लेके कहां तक है, 43 तक है, 125 से भाग करते हैं। ठीक है, 125 से भाग करते हैं तो बताए कि के अंक देखते हैं, अंतिम 3 अंक देखते हैं, बताइए इससे पहले क्या हुआ होगा, यहां क्या होगा आपका, मान लेते देखिए क्वेश्चन आपको अच्छा से एकदम समझ में आने के लिए देते हैं 53 तक, क्या दिक्कत है ना। तो देखिए इससे पहले कौन सी संख्या होगा, 52 हो जाएगा। 125 से यदि इसमें भाग करना है और शेष कितना होगा से लिखना है तो अंतिम के अंक देखते हैं, 3 अंक देखते हैं, अंतिम 3 अंक यही ना है जी, 125 से भाग कीजिए तो बताइए 125 दुना, 125 से भाग कीजिए, 125 दुना 250 और 250 आया तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। समझ में आया होगा कि 8 से भाग करने पर शेष कितना आया, 3 आया, और इसमें 125 से भाग किए तो शेष कितना आएगा, पूरा इसमें पूरा भाग नहीं करने लगेगा, मात्र 3 ही अंक देखिएगा, कब जब 8 है 125 से कहेगा तब, 4 25 से कहेगा तो 2 अंक देखेंगे, और 3 9 से कहेगा तो सब अंक जोड़ के आप भाग करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां तक है, 47 तक है, आ कहता है कि 3 से भाग देने पर शेष क्या हो जाएगा, अभी तो बताएं कि भाग यदि 3 से कहेगा तो कहता है कि 3 से या 9 से भाग करना है, तो यदि 3 से भाग करना है तो आसानी से कैसे निकाल सकते हैं कि यदि सब अंक को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद सब अंक को जोड़ने के बाद यदि वह 3 से भाग लग जाए तो कहिए कि यहां यह पूरा संख्या में भाग लग सकता है। ठीक है, तो बताइए इसमें के वो संख्या है, संख्या कितना से है, 1 से कहां तक है, 47 तक है, सब अंक को जोड़ दीजिए, इसमें 5 और इसमें 8 और 125 सब नहीं है कि 3 अंक में भाग करके जांच कर सकते हैं, 3 और 9 है, तो 3 का नियम है कि सब अंक को जोड़ना है और जोड़ने के बाद 3 से भाग लगा तो संख्या में भाग लगेगा। तो देखिए स्टार्ट है 1 से कहां तक, 47 तक। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि लगातार ये जो संख्या होता है, लगातार क्रम संख्या होता है, तो उसका योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, होता है ना। तो बताइए इसमें लास्ट n ना है जी, तो 47 n हो गया और इंटू एन प्लस 1 तो 47 प्लस 1 ना हो जाएगा 48 और बटा 2 तो 24 दुना 48। अब कहता है कि इसी में 47 में गुना 24 में 3 से भाग लेगा कि नहीं लेगा, ये तो हमको इतना योग ना आया, इतना योग आया। अब इसमें कहता है कि 3 से भाग करेंगे तो शेष कितना चलाएगा, तो 3 से भाग करके देख रहे हैं कि शेष कितना आएगा। तो देखिए 3 से भाग तो काटिए 3 8 24 कट गया, तो जब कट ही गया तो शेष क्या आएगा, जब जिससे भाग कर रहे थे वही से कट गया तो शेष कुछ आएगा, शेष कितना हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। यदि ऐसे समझ में नहीं आया तो देखते हैं आपको, चलते हैं ऐसे, देखिए भाग कीजिए 3 8 24 तो शेष कितना चलाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब बताइएगा 47 से भाग कीजिए 3 से तो कितना हो जाएगा, 9 4 36 10 या 30 यानी कितना कह सकते हैं कि 5 या 45 हो जाएगा, यानी 2 गुना 0 बटा 3 0 बटा 2 3 तो भाग करला पर कितना आएगा, 0 ना आएगा, यानी 3 से इतना में यदि भाग करिएगा तो शेष कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया ना, पूरा अंक जोड़ना है, जोड़ने के लिए बताए कि एन इंटू एन प्लस 1/2 करते हैं, जितना अंक आया उसमें 3 से भाग किए तो शेष कितना हो गया, 0 हो गया। और देखिए इस क्वेश्चन देखते हैं, 1 से लेकर लगातार क्रम में 73 तक लिखकर बनी संख्या में
आठ से भाग देने पर शेष क्या होगा? लिखा हुआ कहां से है? एक से है, एक दो तीन चार पांच कहां तक? तिहत्तर तक। इसमें यदि कहता है कि बनी संख्या में आठ से भाग देने पर शेष क्या हो जाएगा, तो बताया था कि आठ का नियम है, आठ है 125 का नियम है, कि यदि आठ 125 का नियम कहता है कि अंतिम तीन अंक यदि उससे भाग लगता है तो पूरा संख्या भी भाग लग सकता है, नहीं लगता है तो अंतिम तीन अंक से जो शेष आएगा वही पूरा में भाग देने पर शेष आता है। तो देखिए तिहत्तर के पहले क्या होगा? बहत्तर होगा, होगा ना। और आठ से भाग करना है तो ती अंक देखते हैं, ती अंक देखते हैं, भाग जी अड़तीस 24 तो तीन आएगा, आठ चौक 32 यानी शेष कितना आएगा इसका? एक चला आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें देख लेते हैं, कहता एक से लेकर के लगातार क्रम संख्या में लिखने पर 87 अंक वाले संख्या में 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखिए यह क्वेश्चन इसमें अंतर है, देखिए अंतर कैसे है। इसमें बोला कि 73 तक लिखा हुआ है, लेकिन 87 तक लिखा हुआ नहीं है, 87 को अंक लिखा हुआ से बोलता है। देखिए ऐसे कहता है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ऐसे कुछ संख्या लिखा हुआ से बोलता है, अंक देखिएगा में कितना अंक हो गया, एक दो तीन चार पांच छ यहां तक 9 गो अंक हो गया। अब यहां से जो भी संख्या बन रहा है सन में के गो अंक है? दो गो अंक है ना। तो बताइएगा यहां तक 9 गो अंक है, लेकिन कहता कि इसमें के गो अंक चाहिए? 87 अंक। 87 अंक वाली संख्या में 25 से भाग दे तो शेष क्या होगा? तो 87 अंक वाली संख्या में अंतिम अंक क्या होगा ये देख लेते हैं। तो देखिए अंतिम अंक के देखते हैं, 87 को अंक लिखा निकालना हमको है, तो देखिए 9 को तो पहले से होल है, 87 घटा दीजिए 9 कितना चलाएगा? 87 में से घटाइए 9 तो चलाएगा कितना? 78 चलाएगा। बताइए तो यानी 9 को अंक छोड़ दे फिर भी एने के को अंक है? 78 को अंक है। अब 78 को अंक है तो यहां जितना भी संख्या है सब संख्या कितने अंक का है? 2 अंक का है, यानी 78 को अंक है तो संख्या इसका आधा होगा क्योंकि सब 2 अंक ना है जी, तो 2 से भाग कीजिए तो कितना आएगा? 39 को आ जाएगा, यानी 9 के बाद 39 को अंक आउ है तो 9 प्लस 39 कीजिए तो कितना चलाएगा? 9 के बाद 39 अंक आउ ना है जी, इसको भाग कीजिए तो 39 ना आएगा, 39 आएगा। ठीक है, तो देखिए 9 के बाद 39 अंक और तो 9 प्लस 39 कीजिए तो कितना चलाएगा? जोड़िए 39 और 9 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि देखिए 48 हो गया, इसमें भाग करना कितना से? 25 से भाग करना है। तो बताइए 48 तक संख्या गया कैसे गया समझ में आ रहा ना है? 9 गो अंक तो पहले से था तो 9 घटाए तो 78 गो अंक बचा। 78 गो में कहता है कि यहां से जो अंक संख्या है सब 2 अंक का है, यानी सब 2 अंक है तो 78 गो अंक है तो संख्या क्या हुआ है? 39 गो संख्या है। ठीक है, और 39 गो संख्या तो 9 के बाद 39 संख्या जोड़े तो कहां तक आया? 48 तक आया। अब इसमें 25 से भाग करना है। ठीक है, तो 25 से भाग करना है तो नियम बताए थे कि यदि 25 से भाग करते हैं तो अंतिम 2 अंक देखते हैं, 25 और 4 से भाग करेंगे तो अंतिम 2 अंक देखेंगे, यदि उसमें भाग लगता है तो शेष 0 होगा और नहीं लगता है तो जो शेष आएगा वही कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए भाग कीजिए 25 से, 25 यहां 48 ना है, 25 दूना 50। ठीक है, तो देखिए 48 बटा 25 में भाग कीजिए, अंतिम अंक तो यही ना है जी, तो कितना चलाएगा? 23 चलाएगा। ठीक है, यानी 48 में 25 से भाग कीजिएगा तो एक शेष कितना हो जाएगा? 23 इक्कीस का शेष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह सब समझ में आया होगा। ठीक है, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूअर हैं इसको सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का जो बटन होता है उसे दबा दें। ठीक है, थैंक यू।